Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of first week of August 2022. जितने भी important current affairs बनेंगे first week के आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, आप हमारे Telegram group Next Exam IQ को join कर सकते हो, जिसका link आपको description में मिल जाएगा. Basically, new Telegram group बनाया गया, आप join कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा. इससे पहले July full month का करंट अफेयर का पीडीएफ भी ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया गया. सो विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कंट्री टू हैव हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी. तो अब आपको यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी मिलेगा, कंट्री का फर्स्ट ये हेरिटेज साइट बनेगा जहाँ आपको लिफ्ट मिलेगा. तो कहाँ पे है जी ये? तो ये मिलेगा आपको एलोरा केव्स. एलोरा केव्स कहाँ पे? ये औरंगाबाद इन महाराष्ट्र स्टेट. तो ये मिल जाएंगे आपको, याद रखना है. वेल, अगर मैं हेरिटेज साइट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स राइट नाउ इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे 40 हैं प्रेजेंटली, 40 हैं, ये आपने याद रखना है. एंड बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने का. देखो, फर्स्ट फ्लोर तक आप जा सकते हो इस केव्स में. बेसिकली जनरल पब्लिक तो जा सकती है, बट जो लोग लाइक व्हील चेयर से आते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है, तो उनके लिए बेसिकली ये फैसिलिटी स्टार्ट किया गया. तो कहाँ पे? औरंगाबाद इन महाराष्ट्र. ओके, औरंगाबाद की अगर मैं बात करूँ तो औरंगाबाद का नाम भी अभी रिसेंटली चेंज किया गया, तो वो भी आपको ज़रूर याद रखना है. एंड जो न्यू नेम औरंगाबाद का रखा गया वो आपको ज़रूर याद रखना है. जो न्यू नेम है जी औरंगाबाद का, वो रखा गया छत्रपति संभाजी नगर. तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. एंड वी वैद्यावधि इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये एडिशनल डेटा आपको यहाँ पे याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा. बेसिकली ये अल नजा भी से बोलते हैं, अल नगा भी बोलते हैं, तो दिस इज द सेम थिंग. दिस वॉज द फोर्थ एडिशन जो अभी रिसेंटली इंडिया एंड किस कंट्री के बिटवीन हुआ, ये आपसे पूछ रहा है. सबसे पहले आपको कंट्री बताना है. कंट्री अगर आपको पता है, उसके बाद आपको लोकेशन पता होनी चाहिए. द कंट्री इज ओमान, एंड ओमान इज द करेक्ट आंसर. एंड कहाँ पे हुई है ये? हुई जी बीकानेर, बीकानेर इन राजस्थान स्टेट. एग्जैक्ट लोकेशन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन बीकानेर, राजस्थान में ये हुई है, इंडिया एंड ओमान के बिटवीन. एंड यू नो, देखो, अब आप कहेंगे कि सर आप वीडियोस कंटिन्यूसली नहीं डालते, आपने शुरुआत की थी, अगेन अब फिर से आपने रोक दिया. देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बार बार एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा. मैं इससे पहले भी आपको कहा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक इन द स्पैम ऑफ जस्ट 20 डेज कुछ ऐसी ट्रेजडी इन माई फैमिली ऐसा हुआ है कि जो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं शेयर कर सकता, बट देर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. तो इस वजह से मैं अपनी चीज़ें, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं थी, तो मैं नहीं शेयर कर पा रहा था. सो नाउ मेरी पूरी कोशिश रहेगी. देखो, आज मैं फर्स्ट वीक को कवर कर रहा हूँ, फर्स्ट से लेकर 7 अगस्त तक हम अगस्त को ख़त्म करेंगे. देन उसके बाद सेकेंड वीडियो मैं कल ही कोशिश करूँगा कि आपको मैं अप टू 15 अगस्त तक दो पार्ट्स में मंथली वीकली प्रोवाइड करूँ. देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट रेगुलर वीडियोज़, डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे. जुलाई ऑलरेडी मैं आपका कवर करवा चुका हूँ, वो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा. उसका PDF भी मैं शेयर कर चुका हूँ. तो इस तरीके से मैं जो चीज़ें रह चुकी हैं उन्हीं को कवर कर पाऊँगा. अब प्रीवियसली डेली नहीं बन पाएंगे, तो आगे से मैं डेली ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा. एंड सारे करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे. आगे बढ़ते हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री एमर्ज री इन्वेस्ट एंड री एंगेज. इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपने बताना है. ऑथर ऑफ दिस बुक इज संजय बारू. एंड यू नो, आज 14 अगस्त है, आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट डे ऑब्जर्व कर रहे हैं. लास्ट ईयर 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को डिसाइड किया था, ऑब्जर्व किया जाएगा पार्टीशन हॉरेंस रिमेम्बरेंस डे. यू नो, पार्टीशन के दौरान लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. एंड हमारा पड़ोसी देश आज अपना इंडिपेंडेंस डे भी, यानी कि पाकिस्तान भी अपना आज इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व कर रहा है 14 अगस्त को. एंड 14 अगस्त को हम हर साल ऑब्जर्व कर रहे हैं. दिस वॉज द सेकेंड टाइम वी आर ऑब्जर्विंग पार्टीशन हॉरेंस रिमेम्बरेंस डे. वो एडिशनल आपने जरूर याद रखना है. संजय बारू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन द्रास कारगिल सेक्टर वॉज रीनेम्ड एज गन हिल टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज इन ऑपरेशन विजय ड्यूरिंग द 1999 कारगिल विजय वॉर. यू नो, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं. उस दिन हमारी जीत हुई थी कारगिल वॉर में. एंड इस गन हिल, बेसिकली इसका जो अभी इसे रीनेम एज किया गया एज गन हिल,
earlier this point was known as a 0.5140, and you know कैप्टन विक्रम बत्रा इंजर्ड भी काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हुए थे यहाँ पे लड़ाई लड़ते हुए. तो नाउ इट हैज़ बिन रीनेम्ड फ्रॉम 0.5140 टू गन हिल. तो ये आपने याद रखना है कहाँ पे है, ये भी याद रख लीजिएगा. ऑपरेशन विजय ये आपको याद रखना है, कारगिल विजय जब हुई थी, तो जब कारगिल वॉर हुई थी तो नेम ऑफ द ऑपरेशन वॉज ऑपरेशन विजय. तो ये सारे डेटा याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. 0.5140 को रीनेम किया एज गन हिल. अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन वर्किंग पार्ट टाइम इन द 46 टू 59 ईयर्स एज ग्रुप एट ऑल इंडिया लेवल बिटवीन 2017 2020. तो ये तीन साल का रिपोर्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मोर देन 10% पीपल्स आर वर्किंग, लाइक जो एज ग्रुप है इसका, लाइक एज ए पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं 46 टू 59 ईयर्स की एज ग्रुप में. इस रिपोर्ट में ये डेटा पब्लिश किया गया, एंड इसके साथ 60 ईयर्स के अबो की अगर हम बात करें तो लाइक लगभग 15% जो पॉपुलेशन है अबो 60% एम्प्लॉयड है इन पार्ट टाइम वर्क. तो ये कुछ रिपोर्ट्स 2017 से 2020 के बिटवीन पब्लिश किए, याद रखेंगे आप. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडजर्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द रिसेंटली हेल्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड सेरेमनी 2022. तो स्टेट कौन सा रहा बेस्ट स्टेट, सिंपल सा आपने याद रखना है, द स्टेट वॉज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश जो हमारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार, यहाँ पे आपको सीएम मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल. ओके आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी 2022 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो कहाँ पे हुई है, ये हुई है जी चंडीगढ़ में. ओके एंड यू नो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे इंडिया के कौन है, डिफरेंट कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया. हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, एंड डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर अभी कुछ टाइम पहले अपॉइंट किए गए थे विक्रम मिश्री. तो विक्रम मिश्री इससे पहले इंडिया से एम्बेसडर टू चाइना थे, नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक ही रहते हैं, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दो तीन अपॉइंट हुए किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज एरिडिटी एनोमोली आउटलुक इंडेक्स फॉर जुलाई 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाइस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस एरिड कंडीशन. सो सूखेपन की एरिड कंडीशन की काफ़ी ज़्यादा ये डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा स्टेट है एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के सबसे ज़्यादा हैं. सो दिस इज़ यूपी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एंड पूरे रिपोर्ट को अगर हम याद देखें तो 750 डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं ओवरऑल कंट्री की बात करूँ तो उसमें ओनली 63 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो विच आर नॉट एरिड, वाइल द रिमेनिंग 660 डिस्ट्रिक्ट आर आइदर माइल्डली मॉडरेटली और सेवरली एरिड. तो ये रिपोर्ट अभी चौंकाने वाला भी है. 85% यानी कि 85% डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर एक्सपीरियंस कर रहे हैं एरिड वेदर कंडीशंस. ये रिपोर्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का. ओके सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्टेट की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, 65 ऑफ द 196 डिस्ट्रिक्ट दैट आर एक्सपीरियंस सेवर लेवल ऑफ ड्राइनेस, यानी कि 196 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें 65 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो सेवर लेवल ऑफ ड्राइनेस देखने को मिल रही है, एंड सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो एक्सपीरियंस कर रही हैं वो यूपी की है, फॉलोड बाय बिहार. तो स्टेट आप याद रखें, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार, एंड ओवरऑल देखा जाए तो 85% डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो. रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज नेम्ड एनामलाई रेड टेल रीटेल वॉज डिस्कवर्ड एट पिचाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसिकली पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये आपसे स्टेट पूछ रहा है. तो ये पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक स्पीशीज डिस्कवर किया गया अन्नामलाई रिटेल, ये दिस इज इन केरल. केरल वही स्टेट है जिसने अपना इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट किए हैं, वो आप याद रख लीजिएगा. ओटीटी प्लेटफॉर्म अपना ही इंडिविजुअल ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, जैसे हम सीरीज देखते हैं जैसे नेटफ्लिक्स आ गए, अमेजोन प्राइम, ये सारे ओवर द टॉप रहते हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है. ओके तो ये सर्विस स्टार्ट करने वाला भी केरल, अपना इंडिविजुअल केरल बना था. नेक्स्ट करते हैं. रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान. तो इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान अभी कौन अपॉइंट किए गए ये आपने बताना है. सो इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान अभी अपॉइंट किए गए हैं सुधाकर दलेला, एंड यू नो इससे पहले इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान कौन थे, इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान थी रुचिरा कंबोज. नाउ शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, ये आपको जरूर याद रखना है, एंड सुधाकर दलेला का नाम आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं.
एक्साइज विन बैक्स 2022 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है ये एक्साइज, वेल नाम से आपको एक आइडिया लग सकता है, मैक्सिमम नाम से आप क्रैक कर सकते हो, बट मैक्सिमम 90% कर सकते हो बट नॉट 100%. ओके, सो वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया, दिस इज एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री विच हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विसेज, तो ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विसेज भी स्टार्ट किया है जी केरल सरकार द्वारा. ओके, ये आप याद रख लीजिएगा, ऑलरेडी ओला उबर ये सब कुछ है ही है, बट ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विसेज अपना ही स्टार्ट किया जी ये केरल सरकार द्वारा. आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली द टोटल डोनेशन टू द पोलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्रॉस्ड 10,000 करोड़, एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, एंड नाउ यू हैव टू आंसर रिलेटेड टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज बैंक टू इशू एंड इन कैश दीज बॉन्ड्स, तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनको इन कैश एंड इशू करने वाला कौन सा ऐसा बैंक है जिसे ऑथराइज किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो नेम ऑफ दिस बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड एसेस टू क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, तो ये बात किसने कही है कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपका ह्यूमन राइट है. सो दिस हैज बिन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली लोकटक लेक वॉज इन न्यूज, न्यूज़ में थी लोकटेक न्यूज़, यहाँ पे आपको इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी मिल जाएगा. बेसिकली क्या रहते हैं कि जैसे आप ना वहाँ पे हट्स वगैरह बने रहते हैं, तो वो इतने ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं, तो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, ऑर्डर्स किए गए हैं कि उनको हटाया जाए. सो दिस वॉज द रीज़न कि ये न्यूज़ में था. तो ये कहाँ पर है जी, ये है जी हमारी मणिपुर में. ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ tabled the smoke free environment and regulated product smoke tobacco amendment bill to become smoke free by 2025, यानी कि पूरी तरीके से smoke free बनना चाहता है जी ये country जिसने ये amendment bill issue किया है. so this country is New Zealand, याद रखें, important है. recently Jeffrey Armstrong has been awarded the Indian Council for Cultural Relation ICR distinguished Indologist for 2022. He is from which country? So he is from Canada. And now, what is this term Indologist? देखो, जो इंडिया के बारे में स्टडी करे, इंडिया की रिलीजन, इंडिया के कल्चर, इंडिया के आर्ट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करे, उन्हें हम बोलते उसे बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट. ओके, सो जेफरी एमस्ट्रॉम को अवार्ड दिया गया. तो ये कौन सी कंट्री के हैं, नाम आप याद रख लीजिएगा. तो ही इज फ्रॉम कैनेडा, दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर. वर्ल्ड लंग कैंसर डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को. ओके, 1 अगस्त को. रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमेन एज पर द रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, बिलियनरीज इंडेक्स, तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में जो रिचेस्ट वुमेन डिक्लेयर किए गए एशिया की, सो शी इज सावित्री जिंदल. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, जिंदल ग्रुप्स की चेयरमैन सावित्री जिंदल. वट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स विच वॉज अनवील्ड रिसेंटली, तो 2024 जो पेरिस में होंगे ओलंपिक्स, 2020 के कहाँ हुए थे, 2020 के जो 2021 में हुए टोक्यो में हुए थे. ओके, तो इसमें आपको बताना है कि इसका लाइक स्लोगन क्या रहेगा, तो स्लोगन है जी गेम्स वाइट. Recently, who amongst the following has been appointed as Delhi's Delhi Police High Commissioner? Delhi Police के Commissioner appoint हुए IPS Sanjay Arora. Recently, uncontrolled Long March 5B rocket re-entered the Earth atmosphere, our Indian Ocean. So basically, this was a एक failure mission था जो इस rocket को launch किया गया था, and this like rocket has entered. लाइक ये पास हुआ था बेसिकली अवर द इंडियन ओशन, तो इट वॉज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सो इट हैज बिन लॉन्च बाई चाइना. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज फॉर्मली अप्रूव्ड द राइट ऑफ नेचर विद इन इट्स प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि नेचर का भी एक राइट है, ऐसा नहीं है कि आप पेड़ काट रहे हो बिना मतलब के, नेचर हैज ऑल्सो इट्स राइट. सो दिस हैज बिन प्रपोज बाय विच कंट्री, आपने बताना है. सो दिस कंट्री इज चिली,
like you can you may pronounce it chile, chili, whatever you want to do. So this is chili. Next question is, recently Indian Air Force has announced to take part in exercise Pitch Black 2022. So you have to answer, it will be held in which of the following countries. So different countries isme participate karengi Pitch Black 2022. So Indian Air Force space mein participate karegi, to ye kahan pe hogi, ye hogi ji, ise host karega Australia. Recently West Bengal government has decided to create 7 new districts in the state. With this total, how many districts will be there in the West Bengal state? So total 30 ho jayenge, isse pehle 23 the. With this total 30 districts ho jayenge West Bengal mein. And if you are preparing for any exam of West Bengal, West Bengal ke PSC ki taiyari kar rahe ho ya fir koi local exam hai, so then aapko districts bhi yaad rakhni hai, kaun se districts kahan se carved kiya gaya, wo cheeze aapko yaad rakhni hai. Overall generally aap kisi exam ki taiyari kar rahe ho, then at least aapko ye pata hona chahiye ki 7 districts kaun se state mein new hue and total 30 ho chuke hain. To ye pura डिटेल भी आपको वेस्ट बंगाल के न्यू डिस्ट्रिक्स का पूरा मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली इंडिया हैज़ क्रॉस 75,000 स्टार्टअप्स विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड. सो DPIIT द्वारा इन्हें रिकग्नाइज किया गया. अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू दिस, आपको ये बताना है कि नेशनल स्टार्टअप डे हमारे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल. तो हर साल हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 16 जनवरी. Recently, Taranga Utsav was organized on the occasion of 146th anniversary of Pingali Vankya. You know, 22 July 1947, जो right now हमारा Indian flag है, उसे adopt किया गया था. Okay, जिसमें आपको शोक का चक्र मिलेगा, इससे पहले आपको एक चरखा जिसे हम बोलते हैं spinning wheel, वो वहाँ पर मिलता था. Then after that इसे हमने like चेंज किया था. नाउ अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाइक कौन सी डेट को हम तिरंगा उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 146 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली वेंकैया, जिन्होंने डिज़ाइन किया था हमारा नेशनल फ्लैग. ओके, सो चरखा इससे पहले था जब इन्होंने डिज़ाइन किया था, उसे फिर चेंज किया गया. तो इस डेट को आपको याद रखना है, दिस वॉज 2 अगस्त. वट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल developed by deep mind technologies that predicts a protein 3d structure from its amino acid sequence? So name of this artificial intelligence tool jise deep mind technologies dwara develop kiya gaya, this is alpha fold. Yaad rakhe, important hai. Recently chabahar day conference ise observe kiya gaya, kaun si city mein ise organize kiya gaya? So this conference was held in Mumbai. Ye aapko yaad rakhna important hai. Basically चाबहार डे मुंबई में, बेसिकली इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा ऑब्जर्व किया गया. चाबहार, अगर आपसे पूछे, एक इम्पॉर्टेंट लाइक कॉरिडोर है जो एक लिंक करता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लिंक है, जो सेंट्रल एशियन मार्केट को आपस में लिंक करता है. एग्जैक्ट लोकेशन पूछे ये कहाँ पर, आपको ईरान में मिलेगा, यहाँ पर ध्यान रखें. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर इंडिया. तो किसने इसे रिलीज़ किया गया रिसेंट, इसे हर साल जुलाई मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक रिलीज़ किया जाता है, ये आप याद रखें. एंड इसे RBI रिलीज़ करता है. एंड ये क्या कहता है ये डेटा, देखो द एनुअल फाइनेंशियल इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 2021 तक का ये है, जिसमें ये कहता है कि हमारा ये आउट ऑफ 100 को इसे लिया जाता है, 53.9 हमने इस हाफ वे मार्क को क्रॉस कर लिया है. अगर हम बात करें 2017 में, अगर हम इस डेटा को कंपेयर करें तो अभी इस रिपोर्ट के साथ, तो देन 43.4 था, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 53.9 आउट ऑफ 100. तो ये आप ध्यान रखें, हर साल जुलाई में से रिलीज़ किया जाता है. रिसेंटली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV जिसे इसरो द्वारा बनाया गया, विच वॉज इन न्यूज़, इट कैन लॉन्च सैटेलाइट्स अप टू हाउ मच मास इन टू द 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट. तो ये कितने किलो वेट इसका इसे लॉन्च कर सकता है, सो ये 500 kg, ये आपने याद रखना है. रिसेंटली वाइट अनियंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग में, अलीबाग महाराष्ट्र के ये वाइट अनियंस है जिन्हें GI टैग दिया गया रिसेंटली. कैलेश्वर महादेव टेम्पल कलेसर, अभी ये न्यूज़ में था, ये आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में ये आपको मिलेगा. तो ये आपको मिलेगा हिमाचल
प्रदेश में। न्यूज़ में क्यों था, बेसिकली से ईएसआई द्वारा आइडेंटिफाई किया गया टू बी डिक्लेयर्ड एज अ मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो दिस इज द रीज़न ये आप न्यूज़ में, तो आप याद रखें हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इब्राहिम मोहम्मद सोलह विजिटेड इंडिया, ये किस देश के प्रधान लाइक प्रेजिडेंट हैं ये आपको बताना, तो ये हैं जी मालदीव्स के। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है। सो इनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। रिसेंटली NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो 2005 में बनी थी, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जो हमने नामबिया एंड साउथ अफ्रीका से हम चीताज को रिलोकेट करेंगे हमारी इंडिया में। आपको ये बताना है कि इसके लिए जो फंडिंग है, इसके लिए फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कौन प्रोवाइड करेगा। बेसिकली MOU साइन हुआ, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, तो ये करेगा जी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये आप याद रखें। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ग्रेवेंसेज एक रिसीव्ड ऑन द सेंट्रल पब्लिक ग्रेवेंसेज रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। बेसिकली इस टाइमलाइन को डिक्लेयर किया डिक्रीज किया गया, इससे पहले आप कोई भी अपनी ग्रेवेंस डाल सकते थे, तो उसका रिपोर्ट का मतलब आपको आंसर देने का टाइम 45 डेज था, नाउ इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज। सो गाइस दैट्स ऑल फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। देखो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन मैं नहीं शेयर करता। हमारे डेली व्यूअर हमें जानते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा रहता है, बट कुछ टाइम से रेगुलर ना होने की वजह से मैं प्रॉपरली नहीं अपलोड कर पा रहा, रीजन्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो बट नाउ आई विल ट्राई। बट अगर देखो वीडियोज़ अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको अगर वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो आया है देन फॉर श्योर यू हैव टू वॉच, क्योंकि उसमें आपको कंटेंट वैसा मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर मैं पीछे वाले मंथ में अगर मैं बात करूं, जून में अगर मैं नहीं शेयर कर पाया या उससे पहले जितने भी, तो उनको एक आपको क्रक्स प्रोवाइड करूं जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके कवर हो जाए। बाकी डेली तो हमें करना ही करना, डेली से हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, दिस इज ऑब्वियस। बाकी जो चीज़ें रह चुकी हैं उनको मैं ज़रूर कवर करूंगा। एंड थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे इसे ग्रो कर पाऊंगा, चैनल को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, अदरवाइज आप लोग नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ये आपने ज़रूर करना।